नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पारस मनी आर्ट में। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और YouTube पर भी मुझे फॉलो करिएगा। पारस मनी आर्ट के नाम से मेरा पेज है और Instagram पर भी फॉलो कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज मैं आप सभी को लेकर आया एक बर्थडे पार्टी में, और यह बच्चा बड़ा ही प्यारा है और मेरा मन किया क्यों ना इनको एक पोर्ट्रेट गिफ्ट की जाए। पहले सोचा गिफ्ट देते हैं, समझ नहीं आ रहा था क्या दूं, तो मैंने सोचा क्यों ना सभी लोग मुझसे पोर्ट्रेट बनवाते हैं और गिफ्ट करते हैं सभी को, तो क्यों ना इस बार मैं गिफ्ट करूं। तो मैंने सोचा और मैंने करना स्टार्ट कर दिया इस तरीके से करके। लेकिन जब मैं इसको बना रहा था ना, मेरे को समझ नहीं आ रहा था। पहले मैंने कलर से स्टार्ट करना शुरू किया, लेकिन स्टार्ट करने के बाद में पता चला कि इस वक्त मेरे पास बहुत कम है। कलर से करूंगा थोड़ा समय लग जाएगा और मेरे पास है सिर्फ 1.5 आवर। इस टाइमिंग में मैंने सोचा कि सबसे फास्ट मेरी सिर्फ पेंसिल चल सकती है। मैंने नॉर्मली इनका फोटो निकालना स्टार्ट किया, लेकिन फोटो में भी कंफ्यूजन। मैंने सोचा क्या करूं। फिर अचानक याद आया कि मैंने एक बार जब ये मैं इनके घर पर गया था तो ये मस्ती कर रहे थे, और करते करते मेरे पास आए तो मैंने इनका पिक जो है कैप्चर कर लिया। एक मैंने उस पिक को निकाला, हालांकि मेरे साथ में ही थे ये खड़े हुए, और मैंने उस पिक से क्रॉप करके इनके फेस को बनाना स्टार्ट कर दिया। और जब मैंने बनाना स्टार्ट किया, लेकिन एक चीज थी, मैं जितनी बार भी इनकी फोटोज क्लिक कर रहा था ना वैसे उस वक्त, तो हर बार कोई ना कोई फनी फेस बना देते। कभी जीभ निकाल देना, कभी मस्ती, मतलब एक बच्चे की जो नॉटी हरकतें होती है ना, वो सब एक्टिविटी ये करते रहते हैं हमेशा। तो मैंने इनकी एक फोटो निकाली और यह फोटो मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया, और मुझे बड़ा ही अच्छा लगने लगा फोटो। जब जैसे जैसे ये बनने लगे थे ना, जैसे पहले मैंने पूरा ड्रॉ कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद में शेड करना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं किस तरीके से करके मैं पेंसिल से फिलिंग कर रहा हूँ। हालांकि पूरा शूट नहीं किया मैंने, थोड़ा थोड़ा किया बीच बीच से, क्योंकि मुझे क्या था, पहले फोकस करना था काम को करने पर। कभी कभी क्या होता है, हम वीडियो जब बनाते हैं ना, थोड़ा टाइम वेस्ट जरूर होता है, क्योंकि कैमरे की सेटिंग्स को देखना, उसको कैमरा चल भी रहा है या नहीं, मिनट मिनट पे उसको स्टॉप करना, जब जब रिक्वायरमेंट है वर्क को तो वर्क को टाइम देना, हर चीज़ देखी जाती है। लेकिन मैं सोचा क्यों ना पहले फिलिंग पर ध्यान दूँ, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड करता भी चला गया। और आप भी देख सकते हैं किस तरीके से करके वर्क कंप्लीट भी हो रहा है। और वाकई में जब ये बन रहा था, लेकिन पहले सोचा बैकग्राउंड करूँ शेड या नहीं करूँ, फिर लगा मुझे कि नहीं, फेस पर फोकस होना चाहिए। तो मैंने धीरे धीरे इसके डिटेल्स को करना स्टार्ट कर दिया। अब ये वर्क पूरा हो चुका है और हम लॉज के अंदर हैं। कैसा लगा? इधर देखो, पकड़ना। मैं इनके पास आता हूँ। ता करो, हटो, नीचे करो, दिखाओ अपने फेस को। मेरे साथ खींच दो, मेरे साथ। अच्छा। जब मैंने पोर्ट्रेट गिफ्ट किया था ना, तो शिवा के चेहरे पर बहुत स्माइल थी, वो खुश थे, उनको अच्छा लगा। और सर मैम ने भी बहुत तारीफ की, और इनकी सिस्टर ने भी बहुत अच्छा बताया। विवा मैम भी मिली थी मुझे वहाँ पर, और एकता मैम, अखिल सर और पीयूष सर भी मिले थे मुझे। बहुत खुशी हुई थी मिलकर सभी से।